नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। सभी जने जानना चाहते हैं कि अब चीन और ताइवान में आगे क्या होने वाला है, कौन सी तारीख को चीन अपना और ज़्यादा अग्रेसिव रवैया यहाँ पर लेकर के आएगा और कौन सा समय रहेगा जो चीन और ताइवान के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण स्थिति को लेकर के आ रहा है। ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में हैं जिसके जवाब आप चाहते हैं, एंड डेफिनेटली आज इस वीडियो में ऐसी कई सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। देखिए, पहले अगर आप 2-3 महीने पहले का देखेंगे सिनारियो, तो उसमें आपको दिखेगा कि चीन कितना ज़्यादा साइलेंट था, कहीं कोई हमले की बात नहीं थी, कहीं कोई और दूसरी गतिविधि नहीं थी, कोई न्यूज़ नहीं थी चीन की तरफ से। बट पिछले कुछ वीडियोस में मैंने जब कैलकुलेशन करके बताया था कि नाउ दिस इज़ द टाइम जहां पर चाइना अब अपने आप को ओपन अप करेगा और चाइना अब यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और आप देखिए कि उसके बाद जब चाइना अपने आप को बाहर निकालता हुआ दिखेगा, आज हर एक ब्रेकिंग न्यूज़ में चाइना का ही नाम यहाँ पर चल रहा है, चाइना ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर चाइना ने अपने सैनिकों को बेच के युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ताइवान की सीमाओं पर चाइना के सैनिक दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन दिखाई देता है। और सवाल आता है आप सभी की तरफ से कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो शुरू नहीं हो रहा है, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं शुरू हो रहा है? इसके बहुत यहाँ पर सवाल आप सभी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ग्रहों की कैलकुलेशन के हिसाब से एक युद्ध जो चल रहा था हमारा यूक्रेन और रशिया का, वो स्लो डाउन हो चुका है और वो अभी भी धीरे धीरे चल रहा है, वो भी तीसरे विश्व युद्ध को लेकर के नहीं आ पाया। चीन और ताइवान के बीच में भी तीसरे विश्व युद्ध के कयास इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका यहाँ पर भी एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अमेरिका यहाँ पर भी अपने आप को मिडिल में, सेंटर में रख कर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और क्योंकि ताइवान को अमेरिका का सपोर्ट है इसलिए ताइवान अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग महसूस करने की कोशिश कर रहा है और वो खुली चुनौती यहाँ पर चीन को दे सकता है। हालांकि हम सभी को पता है कि चीन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू ताइवान, बट ताइवान भी अगर वही गलती करता है जो गलती यूक्रेन ने करी थी, या फिर वही कोशिश करता है जो कोशिश यूक्रेन ने करी थी। देखिए, क्योंकि सबका सोचने का तरीका और नज़रिया अलग अलग हो सकता है, अपने देश के लिए लड़ाई करना और अपने देश को बचाने की कोशिश करना गलती नहीं है, बट हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका प्लानिंग जो था वो थोड़ा सा गलत हो गया था, ये मुझे लगता है कि यूक्रेन की तरफ था। और कुछ इसी तरह की प्लानिंग अगर यहाँ पर भी गलती कर देता है ताइवान, या फिर यहाँ पर भी ताइवान किसी तरह से परेशान हो जाता है, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा ताइवान के लिए इस युद्ध को जीत पाना या इसमें चीन को अपने यहाँ से दूर कर पाना, और अमेरिका भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में खैर बाद में चर्चा करेंगे कि अमेरिका किस तरह से आगे बढ़ेगा। यहाँ पर जब मैंने ताइवान की कुंडली देखी थी, 25th of October 1945 की कुंडली है ताइवान की, और इसके यहाँ से कैलकुलेशन जो आता है, ताइवान की कुंडली में मंगल और शनि का बहुत बड़ा रोल है, इसी कारण से ताइवान आज इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में बहुत ज़्यादा आगे है। पूरे विश्व में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में ताइवान का अपना एक नाम है। सेमीकंडक्टर्स आप सभी यूज़ करते होंगे, आप सभी ने सुना भी होगा, उसमें ताइवान चिप बनाने का काम करता है, और ताइवान इतना बड़ा उत्पादक है इसका कि यहाँ पर होने वाला युद्ध इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक बड़ा उछाल लेकर के आएगा, और डेफिनेटली आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो इसीलिए आप सभी बैकअप प्लान कर लीजिए, अपनी चीज़ों को सही कर लीजिए ताकि आप सभी को परेशानियां बाद में ना देखने मिले। आने वाला समय महंगाई का है, रिसेशन का है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जब उछाल मारेगा तो वहाँ पर परेशानियाँ और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, और ये बिल्कुल होने के चांसेस क्लियरली दिखाई देते हैं। कब होगा ये वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे स्ट्रांग समय की अगर मैं बात करूँ, या फिर यहाँ पर एक शुरुआत की अगर मैं बात करूँ कि जिस समय से चाइना और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, वो डेट कौन सी है तो नोट कर लीजिएगा। आज तारीख है यहाँ पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6th of August आज डेट है, और 8 अगस्त के बाद चाइना धीरे धीरे अग्रेसिव होना शुरू करेगा। 18th of August के बाद चाइना और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, चाइना और भी ज़्यादा क्रूर हो जाएगा,
बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर डेफिनेटली ताइवान एक संघर्ष की स्थिति में अपने आप को देखता हुआ नज़र आएगा। ताइवान जल्दबाजी में कुछ गलत कदम उठा सकता है, ये बात भी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है, क्योंकि ताइवान में जिस तरह से ग्रह स्थिति यहाँ पर चल रही है, ये ग्रह स्थिति बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ताइवान में ताइवान की कुंडली में यहाँ पर केतु का भी बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पर चल रहा है। केतु की वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो असमंजस का माहौल पैदा करेगी, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिखाएगी कुछ और, होगा कुछ और, कुछ इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। इसी बीच में चाइना की कुंडली जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है, चाइना की कुंडली अपने आप को मजबूत करती जा रही है, इस वजह से चाइना का जो डोमिनेटिंग पावर रहेगा वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। आने वाले 7 महीने चाइना और ताइवान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय आने वाला है, और ताइवान को एक बड़े संघर्ष का सामना करने की यहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल क्लियर है। अमेरिका इसमें क्या रोल प्ले करेगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट ताइवान के लिए आने वाले 7 महीने एक बड़ा संघर्ष लेकर के आ रहे हैं। इस संघर्ष की शुरुआत वैसे तो अभी से हो जाएगी 10 अगस्त के बाद से ही, बट इस संघर्ष की असली शुरुआत जो रहेगी वो रहेगी अक्टूबर के महीने में। जी हाँ, 10 अक्टूबर के बाद से लेकर के यहाँ पर दिसंबर तक के बीच में अगर देखा जाए तो इट्स अ पीक, ये रहेगा पीक समय जहाँ पर चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और आप ताइवान की अगर बात करें तो ताइवान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा, या फिर यही समय रहेगा जहाँ पर ताइवान और चाइना एक दूसरे पर कहीं ना कहीं प्रभाव जमाते हुए नज़र आएंगे, और इसकी वजह से देश और दुनिया में एक अशांति का माहौल क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा, और अमेरिका और चाइना के बीच में परेशानियां बढ़ती हुई नज़र आएगी। भारत अपने आप को एक बैकस्टेप लेता हुआ नज़र आएगा, और यहीं से जापान का नाम वापस से सुर्खियों में आना शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा कि कुछ इसी तरह की कैलकुलेशन रहेगी जहाँ पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में जापान ब्रेकिंग न्यूज़ में आएगा, अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज़ में आएगा, चाइना ब्रेकिंग न्यूज़ में रहेगा, इकोनॉमी ब्रेकिंग न्यूज़ में रहेगी, और ताइवान तो ब्रेकिंग न्यूज़ में टॉप पर रहने वाला है। तो यही सारी गतिविधियाँ आने वाले समय में विश्व में घटने वाली है, जहाँ पर परेशानियाँ थोड़ी सी होते हुए नज़र आएगी, और चाइना कुछ स्ट्रांग और कुछ हार्ड कदम यहाँ पर उठा सकता है, इसके भी पूरे पूरे योग यहाँ पर बनते हैं। ताइवान को अगर कोई बचा सकता है, या ताइवान अगर इस समय में अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकता है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल कंडीशन के बेस पे और गिव अप करने के बेस पे, क्योंकि ताइवान कहीं ना कहीं कोई समझौता कर सकता है जो कि इकोनॉमिकली दूसरी कंट्री के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, दैट इज़ द वन ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन कि ताइवान गिव अप कर दे, फाइट बैक ना करे, तो यहाँ पर ताइवान अपने आप को बचा सकता है एक बड़े नुकसान से, नहीं तो जो नुकसान होगा वो ताइवान के साथ साथ पूरी विश्व को देखना पड़ेगा, और इस वजह से एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो बिगड़ेगा उसकी भरपाई बहुत जल्दी हो जाए इसके चांसेस थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, और इसकी वजह से पूरा विश्व इसका खामियाजा भुगतता हुआ देखेगा। ये एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई देती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और शेयर मार्केट में भी बहुत बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इस वजह से ये जो एक युद्ध का जो आवरण बनेगा यहाँ पर, ये तीसरे विश्व युद्ध की कहानी को कहीं ना कहीं लिखता हुआ तो नज़र आएगा, बट तीसरा विश्व युद्ध अभी होता हुआ नहीं नज़र आएगा, ये बात यहाँ पर क्लियरली दिखाई देती है, क्योंकि उतनी ज़्यादा स्ट्रांग ग्रह स्थिति यहाँ पर नहीं है। हाँ, चाइना और ताइवान के बीच में युद्ध होगा, ताइवान कोई बड़ी गलती करेगा, एंड साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो चाइना भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव और अपना डोमिनेटिंग नेचर लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। 18 अगस्त के बाद देखते हैं स्थिति कैसी बनती है, उसके ऊपर और आगे कैलकुलेट करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है, और उम्मीद करता हूँ कि जो कैलकुलेशंस मैंने आपको समझाई वो अब बिल्कुल आपके सामने हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, एंड जहाँ जहाँ इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप अपने बारे में भी कुछ पूछना चाहते हैं, अपने बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की भी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।